हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको पनीर का परांठा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है और इसको ग्रेट कर लिया है। फिर मैंने इसमें 2 ऑनियन स्लाइस कर लिए थे, वो इसमें ऐड करूंगी। फिर एक हरी मिर्च को मैंने कट कर लिया है, वो इसमें ऐड करूंगी। फिर मैंने इसमें हरी धनिया की पत्तियां जो मैंने कट कर ली है वो ऐड करेंगे। फिर मैंने लहसुन और अदरक को कूट लिया था, वो इसमें ऐड करूंगी। मैंने 6-7 लहसुन की कलियां और थोड़ा सा अदरक कूट लिया था और वो इसमें ऐड करूंगी। अब मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करूंगी। अब मैं इसमें आधी चम्मच अजवाइन डालूंगी, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूंगी, स्वाद अनुसार नमक डालूंगी, आधी चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी, आधी चम्मच जीरा पाउडर डालूंगी और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो हमारी पनीर के परांठे के अंदर पड़ने वाली स्टफिंग रेडी है। अब हम आटा गूंथ लेते हैं। पनीर का परांठा बनाने के लिए हमें 1/2 किलो आटा लेना है और इसमें मैंने 2 चम्मच तेल डाल देना है और थोड़ा सा नमक डाल देना है, 1/2 चम्मच से भी थोड़ा कम। और इसको मैंने गर्म पानी, मतलब गुनगुना पानी होना चाहिए, उसकी सहायता से इसको अच्छे से गूंथ लेंगे। और गूंथते गूंथते इसका एक डो रेडी कर लेंगे। इसका आटा ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना है, इसका आटा थोड़ा नरम गूंदना है। इस आटे को हमने लुकवार्म वाटर के साथ अच्छे से गूंद लेना है। और इसको 5 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट रेस्ट करने के बाद हमारा आटा अच्छे से फूल गया और मैंने इसमें थोड़ा सा सूखा आटा भी रख लिया है। अब हमने 2 छोटी छोटी लोई बनानी है। जैसे हम रोटी को बेलते हैं ना, वैसे ही इसको भी हमने बेलना है बेलन की सहायता से। अब दूसरी लोई को भी हम रोटी के आकार में बेल लेते हैं। आप आटा कोई भी ले सकते हैं, मैंने आशीर्वाद आटा लिया है, ये गेहूं का आटा है। अब हम इसमें पनीर की स्टफिंग डाल देंगे इसके ऊपर।
आप चाहो तो इसके अंदर हल्दी भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी जिससे इसका कलर काफ़ी अच्छा आ गया है। तो देखिए गाइस, मैंने इसके चारों साइड अच्छे से पनीर की स्टफिंग रख ली है। अब मैंने ऊपर से एक रोटी इसके ऊपर ऐसे डालनी है और किनारे किनारे पे इसको प्रेस करना है। मैंने ऐसे ऐसे इसको दबा लेना है चारों साइड और इसको अच्छे से रोटी की तरह थपथपाएंगे। ये देखिए, अब हम इसको तवे पे सेकेंगे। हमने इसको तवे पे चढ़ा दिया है और इसको अच्छे से पकने देंगे। अब हम इस साइड घी लगा लेते हैं। मैंने इसमें देसी घी लगाया है, आप रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हैं, देसी घी भी लगा सकते हैं। अब दूसरी साइड भी मैंने पलट लिया है इसको, और अब इस साइड भी मैं देसी घी लगा लेती हूँ। और इसको हम अच्छे से पकने देते हैं। इसी प्रकार से मैंने दूसरा परांठा भी बना लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पनीर का परांठा बनकर रेडी है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो गाइज, हमारा पनीर का परांठा बनकर रेडी है। मैंने इसको दही बूंदी के रायता और सलाद और जिमीकंद के अचार के साथ सर्व कर लिया है, और इसमें मैंने थोड़े से बटर के पीसेस भी रख लिए हैं। ये देखिए हमारा पनीर का परांठा कितना अच्छे से पका है और बनकर रेडी हो गया है। आप भी अपने घर में इसको बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।